देखो यार पाम बीच रोड मिस यू। ओके गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम वंस अगेन। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं अभी रिलायंस फ्रेश में जा रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए बहुत ही बड़ा लाइन है एंड ये रिलायंस फ्रेश कोपर कह रहे हैं सेक्टर 11 में आता है नियर टू पाम बीच रोड। यहाँ से आप सीधा जाओगे तो डायरेक्टली पाम बीच रोड टूवर्ड्स पनवेल जाएगा, बेलापुर पनवेल, एंड दिस इज़ रिलायंस फ्रेश सेक्टर 11 कोपर कह रहे हैं। और यहाँ पे एक एस्पेन ग्रोसरी शॉप है वो भी चालू है, वहाँ पे फ्रूट्स सब्जी विब्जी सब मिल रहा है। एंड यहाँ पे भी डीमार्ट जैसा कोई कूपन सिस्टम नहीं है, लेकिन लास्ट जो मेंबर है रो का उसको एक कूपन देते हैं, उसके बाद वो कस्टमर की एंट्री लेना बंद कर देते हैं और जितने लाइन में हैं उतनों ही जितने लाइन में हैं उनको ही वो एंट्री अंदर देते हैं। और टाइमिंग है फ्रॉम 10 to evening 5। ठीक है, अभी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके लाइन पूरा है। तो अभी थोड़े टाइम के पहले महानगर पालिका के कुछ आदमी आए थे, उन्होंने भी अंदर जाके चेक किया सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन है कि नहीं है। तो अभी चलो अंदर एंट्री करते हैं एंड देखते हैं रिलायंस फ्रेश का टूर। आपको सब दिखाऊंगा क्या क्या अवेलेबल है इस रिलायंस फ्रेश के टूर में। एंड यहाँ से देखो सीधा आप जाओगे, यहाँ से सीधा तो पाम बीच रोड एंड यहाँ पे कोपर खेरे ने एंटर होगा सेक्टर 12। ये 11 है वहाँ 12 है एंड वो आप देख रहे हो एस्पेन स्टोर, ये देख रहे हो एस्पेन स्टोर। उसके बाजू में कुछ भी डेरी है वो भी खुली है, सो डेरी मेडिकल एंड जो भी इसेंशियल चीज़ें वो सब कुछ चालू है। और सामान ज़्यादा इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से थोड़ा बहुत 15 to 20 days का खाली 15 days का ही स्टोर करो, ज़्यादा मत करो। एंड दैट्स इट फॉर दिस। अभी इस लाइन में भयानक वाली लाइन में दोस्त खड़ा है, उसके पीछे मेरा नंबर है तो मैं वहाँ पे जाके रो में लग जाता हूँ एंड एंटर आपको देता हूँ रिलायंस फ्रेश का टूर। और तो चलिए आपको टूर भी दे दूँगा सेक्टर 11 कोपर खेरन नियर पाम बीच रोड टूर का, रिलायंस फ्रेश का टूर। तो चलो एंटर करते हैं अभी। तो इसका गूगल मैप का लिंक मैं आपको दे दूँगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप आ सकते हैं, ये खुला है फ्रॉम 10 to evening 5। सो चलते हैं अभी रो में, क्यू में खड़ा रहते हैं विद सोशल डिस्टेंस के साथ, दो आदमी के बीच 5 to 7 feet का डिस्टेंस होना ही होना चाहिए। तो चलो चलते हैं आगे अभी, चलो 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 चलो। हर 3-4 दिन के बाद आना ही पड़ रहा है सब्जी वब्जी लेने, तो रिलायंस फ्रेश से ले लो। और बहुत हो गया टाइम, आधा घंटा हो गया हमारा लाइन में लग के, तभी नंबर आया है। अभी बस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बाकी है और चलो भाई फाइनली नंबर आ गया है। चलो अमन लोगों ने सामान ले लिया है, अभी जा रहे हैं घर पे। और इतना सारा सामान और हमारा खटोला स्कूटी, तो चलो
ये सीधा जाएगा मेलापुर हाईवे पर, मेलापुर। और यह है पावनेश्वर उद्यान पुणे। पाम बीच रोड इतना सुनसान, पूरा ये सामान भी मेरे साथ है। क्या लगेगा आई आज रात की 11 बजे से बंद है क्या? हाँ, देखो साढ़े चार बजे बंद हो गया। ये वाशी में आता है ना पेट्रोल? हाँ, सेक्टर कितना है? 26। तो गाइस ये 4:30 बजे बंद होने वाला है, सेक्टर 26 में आता है वाशी इंडियन ऑयल। तो चलो अभी पेट्रोल भर दिया है, सामान भी ले लिया है, अभी बैक टू होम। तो ये 4:30 बजे तक खुला है, लेकिन जो कोई भी सिटी में पेट्रोल सामान्य लोगों के लिए देना बंद कर दिया ऐसा कुछ उन्होंने बोला नहीं मुझे अभी तक। सब लोग यहाँ पे देख रहे हो ले रहे हैं, हवा भी और पंचर भी चालू है एसेंशियल सर्विसेज में, वो भी आता है शायद। तो अच्छा पेट्रोल पंप है, और ये डायरेक्ट आगे आप देखोगे यहाँ पे आगे ये पाम बीच रोड है। और भाई सुनसान रोड, इतना तो मतलब कभी देखा ही नहीं है मैंने, इतना सुनसान पाम बीच रोड। तो चलो अभी चलते। देखो यार पाम बीच रोड मिस यू। मुझे पाम बीच रोड बहुत पसंद है, नवी मुंबई का वन ऑफ द बेस्ट रोड यार कह सकते हैं आप। मुझे बहुत पसंद है पाम बीच की गाड़ी चलाना, स्लो में नॉट फास्ट। ये वो रिलायंस फ्रेश सामान लिया था, देख लो बंद है, कल सवेरे 9 बजे खुलेगा, 9 या 10 बजे। और ये है एस्पान स्टोर, ये भी बंद हो गया है, ग्रॉसरी का स्टोर वहाँ से भी। सो दैट्स इट फॉर गाइस, स्टे हेल्दी, एक्सरसाइज करिए और स्टे होम। That's it.
फॉर दिस ब्लॉग। टाटा बाय बाय।